मैं सुबह की जागी हुई थी और मशीन की तरह पूरे घर में काम कर रही थी सर्दी का मौसम था और रात भर बारिश होने की वजह से मौसम शदीद सर था ऐसे मौसम में जब सब लोग अपने अपने कमरों में लिहाफों में दुबके हुए नींद के मज़े ले रहे थे तब मैं घर के काम काज निपटा रही थी अगर मैं वक्त पर काम ना ख़त्म करती तो मुझे अपनी सास की तरफ से बहुत बातें सुनने को मिलती थी सफाइयाँ करने के बाद जब मैं किचन में आई तो रात के पड़े हुए गंदे बर्तनों का ढेर मुझे मुँह चढ़ा रहे थे जब मैं तमाम कामों से फारिग हो चुकी थी तो तब सब घर वाले जागे थे मेरी नंद और सास भी अपने अपने कमरों से खरामा खरामा चलते हुए बाहर आकर मेहमानों की तरह बैठ गई थी फिर मैंने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया और अब मेरी कमर टूटने वाली हो चुकी थी मुझे कल से बुखार भी था जिसकी शिद्दत से जिसम टूट रहा था जो ही मैं अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से अपने बिस्तर पर दराज हुई कुछ ही देर बाद मेरी सास किसी मौत के फरिश्ते की तरह नाजिल हो गई और मुझे कड़े तेवरों से घूरते हुए बोली तुम्हें हम इस घर में आराम करने के लिए तो नहीं लाए जो तुम सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हो बाकी घर के काम कौन करेगा सिर्फ झाड़ू पोछा लगा के तुम समझती हो कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है हमने भी पूरे पूरे घर संभाले हैं बीबी और सात बच्चे भी पाले हैं और तुम्हारी शादी को तो सात साल का अरसा गुजर चुका है तुमसे तो अभी तक चिड़िया का बच्चा भी पैदा नहीं हो सका और बिस्तर पर ऐसे ही आकर पड़ गई हो जैसे अभी तुम छिले में हो सास की बातें तो मेरे दिल पर बच्चियों की मानत लग रही थी एक तो थकन से मेरा जिसम टूट रहा था ऊपर से इनकी बातों ने जैसे मेरे दिल को चीर कर रख दिया था मेरे दिलो दिमाग में जैसे क्यामत बर्पा कर दी थी और कितने ही सालों का गुबार था जो मेरी आंखों के रास्ते आँसू की सूरत बह निकला था मैं जब से शादी होकर इस घर में आई थी अपनी सास की रोक टोक इसकी बातें सब कुछ सुनती और बर्दाश्त करती आ रही थी अगर मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी मेरा क्या कसूर था मगर मेरी सास हर बात में मेरी बे औलादी को जताना गोया अपना फ़र्ज़ समझती थी रो रो कर मेरा दिल हल्का हो गया तो मैं कमरे से खुद ही बाहर निकल आई जानती थी अगर कुछ देर मज़ीद अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो फिर कोई नया फसाद उठ खड़ा होगा और मुझे फिर से सब लोगों के कटहरे में हाजिरी देनी पड़ जाएगी इसलिए अपने किरची किरची होते वजूद को मैं खुद ही संभाल कर दोबारा से काम में झुक गई जबकि इस घर में मेरे अलावा मेरी सास और नंद भी थी मगर मचाल है जो बातें करने के अलावा किसी काम को भी हाथ लगा दे वक्त यूँ ही सिरकता जा रहा था और मैं इस घर में बहू से ज़्यादा नौकरानी होने का किरदार अदा कर रही थी सुबह से लेकर रात सोने तक मैं मुख्तलिफ़ घर के कामों में लगी रहती थी जबकि मेरी सास और नंद सवाए बातें करने के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी मगर हर आए गए के सामने अपने बेटे की बदनसीबी और मेरी बे का रोना ज़रूर रोती थी मैं इनकी सदत से बहुत बुरी तरह से चिड़ती थी और जब अपने शोहर से इनके रवैये का बातों का जिक्र करती तो वो उल्टा मुझे ही समझाने लगते मुझे ही मना करते कि वो जो भी कहें तुमने इन्हें किसी बात का जवाब नहीं देना वो बड़ी हैं वो कुछ भी कह सकती हैं वक्त यूँ ही सिरकता जा रहा था मेरी दुआएं सजते तवील से तवीलतर होते जा रहे थे मैं कितने ही हकीमों और डॉक्टरों के पास इलाज मालजे के लिए जा चुकी थी कितने ही पीरों फ़कीरों से मैंने दम दरूद भी करवाया था और कितने ही टोटके आज़माए थे मगर अभी तक मैं इस नेमत से महरूम थी इस महरूमी का एहसास दिलाने के लिए मेरे घर में मेरी सास और नंद दोनों ही मौजूद थी फिर खुदा खुदा करके एक अच्छी जगह से मेरी नंद का रिश्ता आ गया और मेरी इससे जान छूट गई इसके घर से जाने से मेरी सास का रवैया मेरे साथ काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था शायद इन्हें पहले बेटी की सपोर्ट थी और वो इनके मेरे खिलाफ़ कान भी भरती रहती थी जो इनका दिल मेरी तरफ से कभी साफ़ नहीं हो सका था मगर अब इसकी गैर मौजूदगी की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा पुरसकून था फिर मुझे मोहल्ले की आंटी ने एक डॉक्टर के बारे में बताया जो बाहर से डिग्री हासिल करके आई थी मैं अपने शोहर के साथ जब इसके पास गई तो इसकी बातों से मुझे बहुत उम्मीद बन गई थी और मुझे इस चीज़ का इस बात का यक़ीन हो गया था कि अल्लाह पाक मुझे भी जल्द ही इस नमत से फैज़ याब कर देंगे शायद कबूलियत की घड़ी थी या मेरी रियाजतों का समर मिलने वाला था मेरी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी और जब मैं हस्पताल में गई तो तब मुझ पर यह इनकशाफ हुआ था कि मैं इतने बरसों से मांगी गई दुआएं कबूलियत का दर्जा पाने वाली थीं मेरी खुशी के मारे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे इसी दौरान गाय ब गाये बगाये मेरी नंद भी चक्कर लगाती रहती थी वो जब भी आती रोती धोती हुई ही आती थी अपने शोहर की बेपरवाही किससे सास नंदों के मुजालिम की दास्तानें आने ये इसकी बातें ससुराल वालों की बुराइयों से शुरू होकर इन पर ही ख़त्म हो जाती थी और इसके जाने के बाद मेरी सास कितनी देर तक अफसरदा रहती थी मगर इनका रवैया मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया था शायद इसकी वजह इनकी अपनी बेटी थी जो दुखी थी गमजदा थी तब इन्हें किसी और की बेटी के दुख का भी अंदाज़ा हो गया था कुछ अर्से के बाद अल्लाह पाक ने एक बेटे की नेमत से भी मुझे नवाज़ दिया था अब मेरी तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ मेरा बेटा ही था हम दोनों ही की ज़िंदगी जैसे मुकम्मल हो गई थी मेरा बेटा चार साल का था तो तब मेरी सास अचानक से बीमार हो गई थी इनके तमाम टेस्ट करवाए गए मगर इनकी बीमारी किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी बीमारी की हालत में भी वो बार बार मुझे ही पुकारती थी इनकी ज़बान पर मेरा ही नाम रहता था मैं तो जैसे गंद चक्कर बनकर रह गई थी पूरे घर का काम जिम्मेदारियां सब मुझ अकेली की सर पर थी मेरे शोहर की इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं कोई मुलाजमा घर पर रख सकती इसलिए हर चीज़ को मुझे खुद ही देखना था और संभालना था इन दिनों मेरे बेटे की भी तबीयत सख्त ख़राब थी मैं ज़हनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि मैं कभी भी अपनी सास को गुस्से से ना बोलूँ इन्हें कभी भी मुझसे शिकायत का मौका ना मिले और फिर एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगी इनकी माफ़ी मांगने से मैं शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया था उनके अच्छे रवैये ने वो सब कुछ मुझे भुला दिया था और मेरे दिल में इनके लिए अब किसी किस्म की कोई बात नहीं थी मैंने इन्हें इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो मेरी माँ जैसी है मैं इनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ यह सुनते ही इनके चेहरे पर इतमिन फैल गया और फिर कुछ दिन के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई इनके जाने के बाद मेरे शोहर ख़ुद को बहुत ज़्यादा तनह महसूस करने लगे थे इनके पास गिनती के चंद रिश्ते ही बचे थे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि इनका ख्याल रखूं, इन्हें कभी भी परेशान ना होने दूं। मगर घर पर अब जैसे खामोशियों ने मुस्तकिल डेरे जमा लिए थे अब इस घर में हम सिर्फ तीन लोग ही रहते थे मेरे बेटे की हंसी और शरारतों की आवाज़ थी जो इस घर में रौनक बख्शती थी जिससे अंदाज़ा होता था कि यहाँ पर ज़िंदगी है और मैं भी तो इसी के सहारे जी रही थी हम दोनों ही इसको देख कर जैसे अपने गमों को भूल जाते थे ये उस दिन की बात है रात को सोते हुए एक अजीब सी आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई जब मैंने लाइट ऑन की तो देखा मेरे शोहर अपने सीने पर हाथ रखे हुए दाएं जानब झुके हुए थे और तकलीफ़ से करा रहे थे मैं इनको इस तरह से देखकर घबरा गई और फौरन से इनकी जानब लिपटी पानी पीने के बाद काफ़ी देर बाद इनकी हालत संभली तो उन्होंने मुझे कहा कि सो जाओ मैं ठीक हूं मगर मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था ऐसा लगता था जैसे अचानक से कुछ हो जाएगा मैं इन्हें बार बार डॉक्टर के पास जाने की अपने चेकअप करवाने की तलकीन करती थी मगर मेरी बात वो सुनी अनसुनी कर देते थे मेरे दिल में न जाने क्यों खदशात और उदासियों ने बसेरा कर लिया था मुझे शिद्दत से यह खौफ सताता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो भी मुझे छोड़कर चले जाए मैंने अपने माँ बाप के साथ साथ बहुत से करीबी रिश्तों को खोया था और एक दिन ये डर मेरे सामने सच बनकर साबित हो गया आधी रात का वक्त था जब मेरे शोहर ने कराते हुए मुझे, मुझे मुखातिब किया इनके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया थे और उन्होंने एक हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था और बुरी तरह से तकलीफ़ से मचल रहे थे उन्होंने मुझे टूटे फूटे लफ्जों में कहा कि मेरे दोस्त को फ़ौरन कॉल करो और इसे कहो कि मुझे अस्पताल लेकर जाए इनका दोस्त हमारे घर से थोड़े ही फासले पर रहता था अपने शोहर की हालत की वजह से मेरे हाथ पाँव फूल गए थे मैंने कामते हाथों से इन्हें फ़ोन किया ये भी गनीमत थी कि दूसरी से तीसरी दफ़ा फ़ोन करने पर उन्होंने कॉल उठा ली और वो भी उसी वक्त हमारे घर में आ मौजूद हुए अभी हमें अस्पताल गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब डॉक्टर ने आकर ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी दुनिया अंधेर हो गई मुझे यूं लगा जैसे ठंडी छाँव से तपती धूप में आ गई हूँ मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे मुझे और मेरे बेटे को इस बेरहम दुनिया के हवाले कर गए थे अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा था हम क्या करते किसके आगे हाथ फैलाते हम दोनों ने तो अपने बेटे के हवाले से बहुत से ख्वाब देख रखे थे अब भला इन ख्वाबों को पूरा करना मुझे अकेली के बस में कहाँ रहा था मैं हारे हुए जवारी की मानद लूटी फूटी हालत में थी जब मेरे बेटे ने कहा कि मामा बाबा कब आएंगे मुझसे बार बार एक ही बात की तकरार करता था एक ही सवाल करता था और मैं इसकी बात पर कभी रोने लगती तो कभी झिझला जाती तो कभी बुरी तरह से मचल उठती आज सुबह से ही वह मुसलसल रो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था बात बात पर इसे अपने बाप की याद आती थी आज सुबह से ही मुझे तंग कर रहा था कभी किसी एक चीज़ के लिए ज़िद करता तो कभी किसी दूसरी चीज़ के लिए और मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी और अब घर का राशन भी बस ख़त्म होने को ही आया था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं मैं अपने घर के अखराज को किस तरह से पूरा करूं मुझे किसी से मांगते हुए भी शर्म आती थी और मैं किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकती थी आखिर हिम्मत जमा करके मैंने अपने भाई के नंबर पर कॉल की मैं इनके हालात जानती थी वो भी मुश्किल से ही अपने घर का गुजारा चला रहे थे जब से मेरे शोहर फौत हुए थे वही मेरी थोड़ी बहुत मदद किया करते थे तब मैंने भाभी के चेहरे के बिगड़े हुए जाफिये देखे थे इन्हें ये बात बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरती थी वो बात बात पर मुझे ये बात जताती थी कि हमारे अपने भी बहुत ज़्यादा ख़र्चे हैं बच्चे छोटे हैं स्कूल पढ़ते हैं इनके शौ अराज हैं आमदनी कम है पूरी नहीं पड़ती वगैरह वगैरह मुझे सब कुछ साफ समझ आ रहा था कि इनकी बातों का मतलब क्या है वो क्या कहना चाहती थी मगर जब तक मैं इद्दत में थी मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी और फिर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं अपने भाई से कोई मदद नहीं लूँगी मगर अब जब सुबह से मुझे मेरे बेटे ने तंग करना शुरू कर दिया कि इसे आज बिरयानी ही खानी है फ्रिज में ना तो गोश था और ना ही मेरे पास पैसे थे मजबूरन मुझे इनको कॉल मिलानी पड़ी थी और जवाबन भाई की बजाय भाभी ने कॉल उठाई और मुझसे इस कदर रूखे अंदाज़ में बात की जैसे इनका मेरे साथ कोई रिश्ता कोई ताल्लुक ही ना हो मैं इनके लिए अजनबी हूँ और रोज़ इनसे कुछ मांगने आ जाती हूँ मैं लब काट कर रह गई और सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं अब अगर मजबूर हो गई हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है ऐसे कड़े वक्त में तो बहन भाई इंसान के काम आते हैं मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी जब इसी दौरान दोबारा से मेरे बेटे ने ज़िद करना शुरू कर दी तो मैं जज्बाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी मैंने इस पर पे दर पे कई थप्पड़ बरसाए ये पहली बार हुआ था जब मैंने अपने बेटे को मारा था इससे पहले तो मैं इसे हमेशा प्यार से फूलों की तरह से छूती थी और आज मैं इस पर गु़स्सा कर गई थी वो सहम कर मुझे देखने लगा मेरा गुस्सा इसकी समझ से बाहर था इसके बाद वो गुमसुम होकर बैठ गया इसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे जब मुझे इसकी मासूमियत का इसकी खामोशी का एहसास हुआ तो मैंने इसको खुद से भींच लिया और ख़ुद भी रोने लगी थी मुझे भी यूं लग रहा था जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो मंजिल नामो निशान हर चीज़ जैसे मुझसे लापता हो गई हो मैं ख़ुद को रास्ते से भटके हुए मुसाफिर की तरह महसूस कर रही थी ऐसे बच्चे की मानद ख़ुद को महसूस कर रही थी जो भीड़ में खो गया था और इसके पास सब लोग अजनबी थे और इससे बेन्याज थे मेरे साथ भी तो यही हो रहा था अपनों के होते हुए भी मैं अकेली थी तनख्वाह थी बेयारों मददगार थी आज मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि मुझे अपनी जंगें खुद ही लड़नी थी अपने बेटे के लिए ज़िंदगी जीनी थी मैं छोटी सी थी जब मेरे अब्बू की वफ़ात हुई थी और हमने यतीमी और गरीबी की हालत में ज़िंदगी गुजारी थी मेरी अम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो कहीं नौकरी नहीं कर सकती थी इनके पास सिलाई का या किसी चीज़ का हुनर नहीं था जो वो घर बैठ कर इस हुनर को इस्तेमाल करके बाइज़त तरीके से रोज़गार कमा सकती थी वो लोगों के घरों में काम करती थी तब मैं छोटी सी थी जब मुझ पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी क्योंकि अम्मी सारा दिन घर से बाहर रहती थी और लोगों के घरों में काम करती थी ताकि हम दोनों बहन भाई का पेट भर सकें आठवीं तक मैंने स्कूल में पढ़ा था मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था मगर मैं जानती थी कि अम्मी मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती थी वैसे भी मेरा भाई छोटा था और अम्मी से पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती थी ऐसे में वो हम दोनों की पढ़ाई का ख़र्चा एक साथ कैसे उठा सकती थी मुझे अपने भाई के लिए अपनी तालीम की कुर्बानी देनी पड़ी थी शदीद ख्वाहिश होने के बावजूद भी मैंने अम्मी से कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं जानती थी वो कभी मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती और खाम खामे इनका दिल बुरा होता वो इसी सोच में मुबतला रहती कि वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने से कासिर है मुझे बचपन से ही बर्दाश्त करने की सब्र करने की और अपने आप को मारने की आदत हो गई थी यही वजह थी कि मैं वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी अपनी माँ की मजबूरियों को समझ गई थी मैं महज अठारह साल की ही थी जब मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी पहले इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी अब हो गई थी मेरी शादी के कुछ अर्से बाद ही वो दुनिया से रुखसत हो गई थी पे दर पे सदमों ने मुझे कमजोर करने की बजाय बहुत मजबूत बना दिया था अब मैं ये सोचने लगी थी कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी यह भी था सर पर जो छत थी वो मेरी अपनी थी भले वक्तों में हमारे ससुर ये घर बनाकर मेरे शोहर के नाम कर गए थे जो कि अब मेरे और मेरे बेटे की मलकियत था मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मेरे पास भी कोई हुनर नहीं था मुझे भी अपनी माँ की तरह बस घर का काम करना ही आता था फिर एक मोहल्ले की आंटी की मदद से मैंने एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली यहाँ पर मामूली सी तनख्वाह दी जाती थी जिससे हम दोनों माँ बेटे का गुज़ारा तो हो सकता था लेकिन मैं इस महदूद रकम से अपने बेटे के मुस्तबिल के लिए कुछ भी महफूज नहीं रख सकती थी यूँ मैंने फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने लगी थी हमारी फैक्ट्री में पैकिंग का काम किया जाता था मैं रात को भी अपने लिए पैकिंग का मज़ीद सामान ले आया करती थी यूँ रात को भी मैं काम करती रहती थी जिसकी वजह से मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा होना शुरू हो गई थी मैं बिल्कुल रिबोट की मानद जिंदगी गुजारने लगी थी जिसमें जज्बात एहसास ना होने के बराबर थे मेरी तमाम तर तवज्जा का मरकज मेरा बेटा ही था मैं इसे किसी काबिल बनाना चाहती थी मैं नहीं चाहती थी कि वो जमाने की ठोकरों की जद में रहे मेहनत करते करते मैंने अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी थी ख़ुद को भुला दिया था सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के सुनहरे मुस्कबिल के लिए इसकी खुशियों के लिए मैंने इसको बहुत अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाई वो भी पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा था इसे भी मेरी कुर्बानियों का एहसास था कुर्बानियों की कदर थी और हम दोनों का एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं था हम दोनों एक दूसरे का जी भरकर ख़्याल रखते थे मेरा बेटा कामयाबी के साथ तालीम की मनाजिल तय करता गया इसने इंतहाई शानदार नंबरों से अपनी डिग्रियों को मुकम्मल किया था ग्रेजुएशन के बाद इसने सी एस एस का इम्तिहान दिया और अपनी जहानत के बलबूते पर इसने ये इम्तिहान शानदार नंबरों से पास कर लिया था और अब वो एक बहुत बड़े अहदे पर फाइज हो गया था देखते ही देखते हमारे हालात बदल गए और छोटे से घर से उठ कर हम लोग एक बहुत बड़े बंगले में आ गए यहाँ पर नौकर चाकर हर चीज़ मौजूद थी रुपये पैसे की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी खानदान वालों ने मेरे बेटे की बदलती किस्मत देख कर दांतों में उंगलियाँ दाब ली थीं वो सब लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में आंखें माथे पर रख ली थी अब वो अपनी बेटियों के लिए दस्ते सवाल दराज करने लगे थे मेरे दिल में किसी के लिए कोई बोगज़ नहीं था और ना ही मैंने कभी अपने बेटे को ख़ानदान के ख़िलाफ़ किया था मगर इसके बावजूद भी वो न जाने क्यों किसी को भी पसंद नहीं करता था शायद इसे मेरी मेहनत का और अकेलेपन का एहसास था इस मुश्किल घड़ी में किसी ने भी मुझे अपनायत का एहसास नहीं दिलाया था इसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि इसे अपने ख़ानदान में शादी करनी ही नहीं है और मैं इसे किसी भी तरह से मजबूर नहीं कर सकती थी यहाँ तक कि मुझे मेरे भाई ने जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की हर तरह से मुझे समझाया मगर मैं क्या कर सकती थी जहाँ मेरे बेटे की खुशी थी मैं इसकी खुशी में ही खुश थी और वो अपने एक दोस्त की बहन के साथ शादी करना चाहता था मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी वो बिल्कुल भी मेरे बेटे के जोड़ की नहीं थी मगर अपनी नापसंदीदगी को एक तरफ रखते हुए मैंने इसका रिश्ता कर दिया था और फिर चंद महीनों के बाद ही वो रुखसत होकर हमारे घर में आ गई थी आते ही इसने पर पुरजे निकालने शुरू कर दिए इसे मेरा वजूद जैसे बिल्कुल गवारा ही नहीं था शाम को जब मेरा बेटा ऑफिस से आता तो मैं इसके पास चंद पल बैठने के लिए चंद बोल बोलने के लिए तरस जाती थी इसके आते ही या तो वो इसे लेकर कमरे में बंद हो जाती या फिर बाहर घूमने फिरने के लिए निकल जाती और रात गए तक इनकी वापसी होती एक ही घर में रहते हुए कितने कितने दिन में अपने ही बेटे की शक्ल देखने को इससे बात करने को तरसती रहती अब तो हमारे घर में पोते पोती की भी खुशी आने वाली थी बहू की तबीयत के पेशे नज़र इसे आराम करने की ज्यादा जरूरत थी और सफ़र करने से मना कर दिया गया था इसे ये बात भी नागवार गुजरती थी वो मेरे बेटे के कान मेरे खिलाफ़ भरती रहती कि मैं इस पर पाबंदियाँ लगाती हूँ इसे खुश नहीं देख सकती फिर मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि वो जो करती है इसे करने दिया करें आप इसके मामलों में मत बोला करें मुझे अपने बेटे से इस रखाई की उम्मीद नहीं थी और मैं आंसू पी कर रह गई इस घर में मेरी हैसियत किसी फालतू शय की सी हो गई थी ना मेरी किसी बात में अहमियत थी और ना ही मुझे वैसे इज्जत दी जाती थी जिसकी मैं हकदार थी अब तो मेरा पोता भी छः साल का होने वाला था और मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और मेरे साथ बहुत अटैच था इसकी माँ इसे मुझसे दूर रखने की बहुत कोशिश करती मगर वो फिर से लपक कर मेरी जानब आ जाया करता था मेरा पोता बहुत ही ज़्यादा समझदार था अपनी उम्र से बड़ी बातें करता था उस दिन मेरा बेटा भी खिलाफ मामूल घर जल्दी वापस आ गया उस वक्त हम सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे और टीवी देखने में मगन थे जब मेरे पोते ने बेटे को मुखातिब करके कहा कि पापा आपको पता है मेरा जो दोस्त है अहमद वो लोग अपनी दादों को ओल्ड होम में छोड़ आए हैं बाबा जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है आप भी दादों को छोड़ आएंगे और जब आप बूढ़े होंगे तो क्या मैं आपको भी ओल्ड होम छोड़ाऊंगा इसका सवाल सुनकर हर कोई अपनी जगह पर गुमसुम रह गया मेरा बेटा इसे कहने लगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे वो कहने लगा कि इसकी दादो भी तो इसके पापा से बहुत प्यार करती होंगी जैसे मेरी दादो आपके साथ भी तो प्यार करती है ना मगर आप इनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते इसकी बातें सुनकर मेरे बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे थे वो रो रो कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा था एक छोटे से बच्चे ने इसकी आंखें खोल दी थीं और वो इसे माँ की कदर करना सिखा गया था मैंने भी नम आंखों से इसे गले लगा लिया और कहा कि माएँ कभी भी अपनी औलाद से नाराज़ नहीं होती बेशक माएँ नाराज़ नहीं होती लेकिन आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वो तुम्हारे साथ होगा इसी दुनिया में इसलिए माँ बाप का बहुत ख्याल रखा करो वरना ये दुनिया मकाफात अमल है